Good evening, students. This is Pavita Trivedi. We are now starting with the retaining wall, that is part B of unit 4. As such, is unit se questions means weightage ka ho to thoda kam hi rehta hai. The reason is DOS 2 mein last unit is retaining wall. Your fifth unit of DOS 2 is consist of two parts. One is foundation, design of foundation, and another is retaining wall. Usme aap thoda detailing mein matlab numericals karoge, design karoge, how you are going to deal with the different forces acting on retaining wall. So yahan pe is FD foundation design mein retaining wall is just a theoretical purpose, but agar aap ye samajh loge to aapko unit 5 jab aap dekhoge to zyada aasani rahegi samajhne mein. So let us start with the retaining wall. Jo naam se hi pata chal raha hai, retaining wall means the wall that retains earth. Earth, water, matlab jo soil kehte hai usko retain karne, ek natural slope mein usko rakhne ke liye jo wall hum use karte hai, that is retaining wall. Yahan pe aap picture se clearly dekh sakte ho, ek wall hai aur uske piche ek slope hi alag alag different elevation pe soil ko retain kiya jata hai, right? So exactly uski definition agar puchi jati hai 2 marks mein, so retaining wall is a structure used for maintaining the ground surface at different elevation on either side of it. Matlab different elevation ho gaya, one is this and another is this, two different soil at two different elevation. Ab obviously agar hame do different elevation pe soil ko retain karna hai to is soil ko yahan pe rahe usi ki jagah pe, to uske liye hame yahan pe wall construct karni padegi. Aur is wall ka basic purpose kya hoga, is soil ko yahan aane se rokna, usko pakde rakhna apni original shape aur size mein, original शेप में उसको वहीं बनाए रखना, रिटेन करके रखना. सो डेफिनेशन, रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू वर्टिकल स्लोप्स ऑफ सॉइल, दे रिटेन सॉइल व्हिच वुड अदरवाइज कोलैप्स इनटू अ मोर नेचुरल शेप. द रिटेन सॉइल इज रिफर्ड एज टू बैकफिल, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बैकफिल, जो पीछे की सॉइल है वॉल के पीछे की तरफ जो सॉइल पड़ती है उसको हम कह सकते हैं बैकफिल. इसकी शुरुआत जेरूसलेम में हुई थी, यहाँ पे एक वॉल है, एक वेलिंग वॉल है, आप उसको गूगल कर सकते हो, लाइमस्टोन की बनी हुई वॉल है. उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये जो है आपका जेरूसलेम की वेलिंग वॉल है, और दो तीन और नाम है अभी मुझे याद नहीं आ रहे, यू कैन गूगल इट, वेलिंग वॉल इन जेरूसलेम. ये उसकी इनकी प्रार्थना करने की, ज्यूइश पीपल जो है उनकी जो प्रार्थना करने की जगह है, तो इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंस है. यहीं से शुरुआत हुई थी, लाइमस्टोन का बना हुआ एक पूरा पहाड़ है और उसी पे उन्होंने इस तरह की एक दीवार बनाई है. एक और है 8848 समथिंग, 8840 समथिंग ऐसी कुछ किलोमीटर की लेंथ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. सबको पता है इसके बारे में, इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाई गई थी, और आज भी वो बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट कर रही है. तो रिटेन करती है एक सॉइल को, रिटेनिंग वॉल का. हम थोड़ा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे. बेसमेंट में, बेसमेंट बनाने के लिए भी बेसिकली, जब हम हमारे एबीएस की ही बात कर लो, ये बेसमेंट बनाना हो तो उसके पहले भी हमें साइट पे टेम्प्ररी या परमानेंट एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, ताकि उसके पीछे वाली सॉइल वहीं इंटेक अपनी पोजिशन में रहे, राइट. तो ये पाइल वॉल्स भी होती है, इस तरह की पाइलिंग करके कंस्ट्रक्ट की जाती है. मेन बेसमेंट में यूज़ करने का उसका ये पर्पस है कि बाहर की सॉइल अंदर की ओर ना आए. तो पहले एक बॉर्डर बना दी जाती है वॉल से, जिसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं, फिर हम अंदर की ओर ब्रिक वर्क करते हैं, राइट. तो ये उसका मेन बेसिक पर्पस है. टाइप्स अलग अलग, ये मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन इस यूनिट से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे लगता है शायद यही पूछा जाएगा
क्योंकि रिटेनिंग वॉल में बेसिकली करने वाला ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं बेसिक है वो डिज़ाइन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी टाइप्स क्या है, अलग अलग तरह की टाइप्स है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल, बट्रेस वॉल्स एंड बॉक्स कलवर्ट्स। ये सारे हम वन बाय वन पिक्चर्स देख के बहुत इजी है समझ में आ जाएगा आपको। मेन जो है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है, जो हर बार मोस्टली कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हम यूज़ करते हैं, और आपको जो डिज़ाइन करोगे यूनिट 5 में डॉस 2 के, वो भी आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ही यूज़ करोगे। उसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट का, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो बेसिकली हम उस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को ही हम रिटेनिंग वॉल बोलते हैं आजकल, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सभी रिटेनिंग वॉल का एक बेसिक डायग्राम बना दिया है, ग्रेविटी वॉल, सेमी ग्रेविटी वॉल करके। पर हम एक एक करके देखेंगे। अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो ग्रेविटी वॉल, दो दो लाइन लिखो, वेटेज के हिसाब से आपको लिखना है। तो ग्रेविटी वॉल्स क्या कहती है? द ग्रेविटी वॉल रेजिस्ट द अर्थ प्रेशर एग्जर्टेड बाय बैक फील बाय इट्स सेल्फ वेट। मतलब उसका मेनली पर्पस जो वॉल को रेजिस्ट करना, सॉइल को रिटेन कैसे किया जाएगा, तो ग्रेविटी वॉल क्या करती है, टोटली अपने सेल्फ वेट की वजह से ही। जैसे आप एक इमेजिन करो, दरवाज़ा आपको बंद रखना है सामने पीछे की ओर, कोई आपको बचना है बहुत ज़ोम्बीज या कुछ सॉर्ट ऑफ, सॉरी, मतलब कुछ आपके पीछे पड़ा है, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, अब आपको उस दरवाज़े को खोलने से रोकना है। तो एक मोटा सा आदमी अगर खड़ा रहेगा उसके पीछे, तो सिर्फ उसके सेल्फ वेट की वजह से ही, ज़्यादा लोड नहीं रेजिस्ट करना होगा। तो सिर्फ एक हैवी लोड, अगर आप टेबल, हैवी सा टेबल दरवाजे के आगे, जैसे पिक्चरों में बहुत सारे में देखा है बंद कर दरवाजे को खोलने से बचाने के लिए, कैसे नॉर्मल एक सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से ही वो उसको रिटेन कर सकता है जो लोड लग रहा है लिटरली, राइट। तो सेम वे ग्रेविटी वॉल जो है वो टोटली स्टोन मैसनरी, ज़्यादातर स्टोन मैसनरी होती है, वो अपना सेल्फ वेट की वजह से ही सारी वॉल जो अर्थ है उसका लेटरल प्रेशर झेल लेता है। तो इट इज़ यूजुअली बिल्ड इन स्टोन मैसनरी एंड ओकेजनली इन प्लेन कॉन्क्रीट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स ओन वेट एंड देयर फॉर इज़ रादर मैसिव इन साइज। प्लेन कॉन्क्रीट ग्रेविटी वॉल्स आर नॉट यूज फॉर हाइट्स एक्सीडिंग अबाउट 3 मीटर फॉर इकोनॉमिक रीजन। मतलब कभी भी ग्रेविटी वॉल यूज़ करनी है तो उसका भी एक लिमिटेशन है कि 3 मीटर्स और अबोव के लिए, 3 मीटर्स एंड बिलो 3 मीटर्स यू कैन गो विथ ग्रेविटी वॉल्स। उसकी अबोव अगर आपको लोड लेना है, तो अर्थ प्रेशर ज़्यादा है, तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 3 मीटर्स फॉर ग्रेविटी वॉल्स। एंड स्ट्रेस डेवलप्ड इज़ वेरी लो, दिस वॉल्स आर सो प्रपोर्शन दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड एनीवेयर एंड द रिजल्ट ऑफ फोर्सेस रिमेन विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। ये आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा जो सॉइल का लोड आता है, अगर इस साइड डायरेक्शन में सॉइल है, बैकफिल है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो हैगा नीचे बेस पे आएगा, और धीरे 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 ऊपर जाते जाते वो कम होता जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो बेस से 1/3 होगा। तो सेमी ग्रेविटी वॉल, सेमी ग्रेविटी वॉल्स में हम थोड़ा बहुत रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। सेमी ग्रेविटी वॉल्स रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय द कंबाइंड, ये कैसे एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्ट करती है, बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेल्फ वेट, वेट ऑफ सॉइल अबोव फुटिंग एंड द फ्लेक्चरल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल कंपोनेंट। इन मेनी केसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टील मे बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी वॉल्स, देयर बाय मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ वॉल सेक्शंस। सच वॉल्स आर जनरली रिफर टू एज सेमी ग्रेविटी वॉल। नाउ मेन इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर नाम से ही पता चल रहा है, दिस वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 कैंटिलीवर्स, 3 पार्ट, 3 पार्ट में 3 अलग अलग कंपोनेंट से जो है कैंटिलीवर पोजीशन में प्लेस किए जाते हैं। द कैंटिलीवर वॉल इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड इज़ जनरली इकोनॉमिकल फॉर हाइट अप टू अबाउट 8 मीटर, राइट। 8 मीटर तक अगर आप जाना है तो यू कैन गो विथ कैंटिलीवर वॉल। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टेम एंड अ बेस स्लैब मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स दैट
हील स्लैब एंड अ टू स्लैब। तो ये अगर आपको देखना है तो यू कैन रिफर दिस फिगर। सी कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल की फिगर ड्रॉ करनी है तो दिस वर्टिकल पार्ट इज कॉल्ड स्टेम, दिस टोटल पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट इज कॉल्ड बेस स्लैब। पूरा बेस स्लैब को दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, टू एंड अ हील। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसको हील कहते हैं, इसको टो कहते हैं। इसको ना बेसिकली अगर आप देखो तो हमारे जो पैर जो है, पैर मैंने थोड़ी गंदी सी फिगर बनाई है पैर की, दिस इज टो एंड दिस इज हील। सो अगर आपका कोई रोड है जो रोड इस साइड पे है तो यहाँ पे आपका बैक फील होगा। आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, आप ये भी देख सकते हो, इस साइड पे सपोज इस साइड पे सॉइल है, बैक फील है, और यहाँ पे आपकी रोड है, राइट। आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आपको यहाँ वाली सॉइल नीचे ना आ जाए, उस हिसाब से ये वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, ये स्टेम बनाना है। या तो फिर यहाँ पे रोड है तो ये आप इस तरह से आपका बैक फील है, जो बैक फील में स्टेम है आपका, जो वर्टिकल वॉल है ये भी एक कैंटिलीवर है। ये देखो, ये दिस वन पार्ट इज फ्री, वन एंड इज फ्री एंड अनदर इज फिक्स्ड। ये सेम टू, वन एंड इज फिक्स अनदर इज फ्री। ये हील स्लैब जो है वो भी वन पार्ट इज फिक्स अनदर इज फ्री। तो ये टोटल इसलिए उसको कैंटिलीवर बोला जाता है क्योंकि वो कंसिस्ट ऑफ थ्री कैंटिलीवर बीम्स। अब किस किस वे से ये कैंटिलीवर है, ये जो ये जो स्टेम है, स्टेम पे अब लोड किस डायरेक्शन में आएगा, यूडीएल। यहाँ पे पूरी की पूरी बैक फील है तो बैक फील एग्जर्ट्स हॉरिजॉन्टल लेटरल प्रेशर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस डायरेक्शन में ये पूरी बैक फील है, ये पूरा आपका कैंटिलीवर बीम बन गया। लोड लगा है इसके ऊपर, दिस इज फ्री दिस इज फिक्स्ड। ये हील पे बैक फील जो है, बैक फील खुद का लोड एग्जर्ट करता है तो उसके ऊपर जो ये वर्टिकल प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको इस तरह से रेजिस्ट करना है, नॉर्मल जो कैंटिलीवर है। सेम वे टो, टो के ऊपर यहाँ पे, अब यहाँ इसके ऊपर जो सरचार्ज थोड़ी बहुत जो सॉइल है, जो पैसिव अर्थ प्रेशर हम कहते हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर लगाती है, दिस बिकम्स एक्टिव अर्थ प्रेशर, दिस बिकम्स पैसिव। बहुत ही छोटा, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करती है प्रेशर एग्जर्ट करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लोड की वजह से ये ऐसे यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड प्रेशर लग सकता है इसका, तो दैट वे दिस बिकम्स कैंटिलीवर। तो ये है आपका मेन कैंटिलीवर की डिज़ाइन। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि वीप होल्स भी रखे जाते हैं थोड़े नज़दीक की ओर, क्यों, बिकॉज जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे ऑब्वियसली पानी भर जाता है और पानी की वजह से ऑब्वियसली दे विल एग्जर्ट अ पोर वाटर प्रेशर। उसको रिड्यूस करने के, अगर यहाँ पे वो एक्यूमुलेट होता रहेगा तो इसके मटेरियल को डिग्रेड करेगा। यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी है, कंक्रीट भी है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहता है तो मटेरियल को डिग्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसी प्रोविज़न होती है जिसको पानी कलेक्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वी पोल्स टू रिलीज द पोर वाटर प्रेशर। जो आपका बैकफिल है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है। जो बैकफिल करोगे आप इस तरह से यहाँ तक या उसकी एज तक करते हैं, सपोज उसके ऊपर कोई लोड है, उसके ऊपर एक छोटी सी रोड बनाई है, डैम को आप कुछ डैम होते हैं जिसमें डैम के ऊपर रोड बनी हुई होती है, आपको इस साइड पे पानी होता है और आप सीधे सीधे उस रोड को जा सकते हो, एक सर्विस रोड भी बोल सकते हैं, कभी कभी सर्विस रोड बनी होती है, मतलब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, उसके अगर बैकफिल के ऊपर कोई लोड है तो उसको हम बोलते हैं सरचार्ज, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये इंक्लाइंड भी सरफेस हो सकती है। इंक्लाइंड है तो हम बीटा एंगल, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं उसको, बीटा एंगल होता है, यूज़ होता है जब आप उसको डिज़ाइन करोगे, राइट, दैट इज़ इन यूनिट 5-2। तो एक हो गया आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, अनदर इज़ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे काउंटर फोर्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। इसको मैं पहले हम कैंटिलीवर वॉल देख लेते हैं।
दिस आर द वॉल स्टेम. स्टेम क्या कहते हैं? स्टेम एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर अंडर द लेटरल अर्थ प्रेशर. हील स्लैब एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ वेट ऑफ द रिटेन्ड अर्थ माइनस सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड फ्रॉम बिलो. मतलब ये कहना चाह रही है कि ये वाली जो फिगर है यहाँ पे, जो अपवर्ड प्रेशर डाउनवर्ड प्रेशर माइनस जो इसका अपवर्ड प्रेशर लग रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो टोटल एक्टिंग जो लोड, सबसे ज़्यादा लोड जो लग रहा है वो यहाँ डाउनवर्ड में लग रहा है. देन टू स्लैब एक्ट्स एज अ कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड, जो मैंने बताया. अब ये क्या है यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है? कुछ बीम सा दिख रहा है. ये बीम नहीं है एक्चुअली, इसको कहते हैं शेयर की. शेयर की जो है इफेक्टिवली अगर यूज़ करना है तो उसका यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड की जाती है. मेन उसका पर्पस क्या है थोड़ा इमेजिन करो. सी ये एक लैपटॉप है या आपके पास कोई बुक है उसको देख लो. अगर मैं उसको इस डायरेक्शन में देख रही हूँ, सो नाउ दिस इज़ योर रिटेनिंग वॉल. ठीक, साइड से देखोगे आप ये हो गया एक स्टेम. दिस इज़ योर स्टेम, दिस इज़ योर हील, दिस इज़ योर टो. है टो जो होगा वो इतनी डायरेक्शन में होगा इतना से. अगर एल शेप कैंटिलीवर है तो टो नहीं होगा. राइट, अदरवाइज इन्वर्टेड टी बोल सकते हो. इन्वर्टेड टी मीन्स आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इतनी साइज में टो यूज़ किया जाता है, टो स्लैब. अदरवाइज ये हो गई पूरी हील स्लैब. जहाँ पे हील होगी वहाँ पे बैक फिल होगा. यहाँ पे आपकी सॉइल है, यहाँ से आपकी रोड जा रही है इस तरह से. राइट, तो ये चांसेस हैं कि यहाँ पे मैंने सॉइल करी तो ये ओवरटर्न होने के चांसेस है इस तरह से. राइट, तो कौन से पॉइंट से वो ओवरटर्न होगा? यहाँ पे उसका जो एक्सट्रीम एंड है. सपोज़ यहाँ पे एल शेप ना होके ये टो होता है तो जो वो इन्वर्ट होता इस तरह से वो टॉपल होता, ओवरटर्न होता. सेम वे ज़्यादा सॉइल लगाने, ज़्यादा सॉइल प्रेशर आने से वो इस तरह से स्लाइड भी कर सकती है. टू स्टॉप दैट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग वी शैल प्रोवाइड दिस शेयर केस. शेयर केस जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट स्लाइडिंग. स्लाइड ना कर सके इसलिए हम उसको एक की है. की क्या होगा? वो बस एक ज़मीन में एक मोनोलिथिक पार्ट, इसका इसी का रिइंफोर्समेंट हम ज़मीन में और नीचे की ओर डाल रहे हैं. ये कोई कंटिन्यूटी इसके साथ नहीं है. इससे आगे बियॉन्ड बियॉन्ड दिस बेस स्लैब एक और कंटिन्यूटी जा रही है नीचे सॉइल में. राइट, तो अब ये इसको स्लाइड करने से रोकेगा. अगर मेरे पास एक वीडियो होता मैं दिखाती हूँ आपको. Video, we focus on the popular L-shaped cantilever design. If you were going to use an L-shaped wall to hold back soil and rock, as represented by these marbles, would you point the bottom leg towards the marbles or away from them? Many people would say that the base of the L should face away from the marbles. They probably realize that it is hard to tip the wall over towards the left if the bottom leg points in that direction. In engineering, we call tipping like this overturning. If the bottom leg points the other way around, it is easy to make the wall overturn. So easy, in fact, that I can do it with just a puff of air. It looks like the case is closed. Or is it? Before we declare a final verdict, let's use the model to find out what happens when the bottom leg points to the left, away from the marbles. As we add marbles, we discover that the horizontal forces they produce create yet another mode of failure, namely sliding of the wall. And this occurs when the marbles reach a depth of 3 centimeters. In the model, we can increase the friction between the retaining wall and the base by placing a rubber mat between them. You will have to do some extra reading if you want to find out how they achieve this end in the real world. As you can see, increasing the friction allows our model wall to support a noticeably greater depth of marbles, but it still eventually fails by overturning, in this case, when the depth reaches 8 centimeters. Now let's turn the wall around so its bottom leg points towards the right, the side where the marbles will be placed. We again use a rubber sheet to prevent sliding, and we add some marbles. As before, the marbles generate a horizontal force that depends on the marble depth.
You might be surprised that this wall can hold back 11 centimeters of marbles before it overturns. Can you explain why the wall can resist a greater height of marbles when the bottom leg points towards them? Is there an additional force that comes into play? Recall that granular materials generate both horizontal and vertical pressures. When the bottom leg is oriented away from the marbles, overturning is resisted only by the weight of the wall itself, and so it overturns easily. When the bottom leg points towards the marbles, the vertical pressure from the marbles helps to keep the wall upright. The downward pressure also increases the friction between the bottom of the wall and the ground, thereby reducing the likelihood of sliding. When engineers design L-shaped retaining walls, they imagine them overturning about the point labeled Q. They first calculate how strongly the soil pressure will tend to make the wall rotate about Q. We call this tendency to tip an overturning moment, and we label it MO. Next, they figure out the stabilizing moment, MS, produced by the soil pushing downwards on the horizontal leg of the wall. Lastly, they make sure that the horizontal leg is long enough that the stabilizing moment is at least as large as the overturning moment. Then the retaining wall will be stable. The reason is that pressurized water at the bottom of the dam can seep under the base of the dam. And if it does, the resulting upward water pressure on the bottom of the dam can generate an additional moment and make the dam overturn. Lots of other clever approaches can be used to design retaining walls, but we do not have time to discuss them here. To learn more about how soil, water, and other... That was just for basic understanding to towards stability and the overturning. आपकी जो रिटेनिंग वॉल है वो ओवरटर्न टप्पल भी हो सकती है और स्लाइड भी हो सकती है, तो कैसे होते हैं. अनदर इज टी कैंडिलीवर, जैसे मैंने बताया टी कैंडिलीवर एल शेप, टी शेप, एल शेप होती है, तो उसमें टो प्रोजेक्टेड नहीं होता है. इन्वर्टेड टी में टो और हील दोनों ही होता है. राइट, काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल, ये आप ये फिगर देखो, उससे पता चल जाता है कि कभी कभी कुछ हाइट से ज़्यादा, 6 से 7 मीटर से अबो अगर आप जाना है, बेसिकली आप 6 मीटर ही समझ लो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो अबोव 6 मीटर, एट दैट टाइम ऑब्वियसली लेटरल अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल विल बी मच हायर ऑन द स्टेम, सेम वे ऑन द हील स्लैब. सो एट दैट टाइम इफ यू इमेजिन, If you have a retaining wall like this, okay, if you have a retaining wall like this, और यहाँ पे ये आपका हो गया हील, कि यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा लेंथ है, तो जब भी प्रेशर लगाएगी तो इस तरह से लगाएगी. सो नाउ दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन. तो हम क्या करेंगे, टू रिड्यूस दैट बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड टेंशाइल टेंसाइल स्ट्रेसेस, हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे एट रेगुलर इंटरवल. तो ये उसको हम बोलते हैं काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल. और वो जो जो हम कनेक्टेड टाई मेंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम काउंटर फोर्ट. तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल, जिसकी डिफरेंट इंटरवल पे आपको काउंटर फोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और कुछ नहीं. बाकी जब अबो 6 to 7 मीटर हाइट आपको एनकाउंटर करनी है, तब यू कैन गो विथ काउंटर फोर्ट वॉल. काउंटर फोर्ट जो होता है विल इज ऑलवेज अलोंग द हील स्लैब. जो हील स्लैब है और स्टेम और हील स्लैब को कनेक्ट करने वाले जो बीम होती है उसको हम काउंटर फोर्ट बोलते हैं. और ये ऑब्वियसली ये टेंशन मेम्बर है आपका, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए दिस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस. राइट, सेम वे काउंटर फोर्ट का ऑपोजिट होता है बट्रेसिस. बट्रेसिस काउंटर फोर्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब ये स्टेम इस डायरेक्शन में जा रहा होता है तो ये बट्रेस इसको रोकता है. तो बेसिकली दिस इज कंप्रेशन मेंबर. राइट, ये टेंशन मेंबर है, ये कंप्रेशन मेंबर है. अगर 2 मार्क्स में कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए कि काउंटर फोर्ट और बट्रेस में क्या डिफरेंस है, तो आप ये लिख सकते हो. और स्टेम और हील को जोड़ता है काउंटर फोर्ट, और टो और स्टेम को जोड़ता है बट्रेस. राइट,
So, counterfort क्या कहते हैं, the for large heights in a cantilever retaining wall, the bending moments develop in the stem, heel and toe slab becomes very large and required large thickness. The bending moments can be considerably reduced by introducing transfer supports called counterforts. These counterforts in retaining wall tie the wall and the base slab together. The purpose of the counterfort is to reduce the shear and the bending moments. Okay. Counterfort wall are placed at regular intervals of about 1/3 to 1/2 of the wall height. मतलब ज़रूरी नहीं है ऊपर तक, जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि ऊपर तक कनेक्ट करो उसका बेस से, 2/3 और 1/3 को भी आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो. Interconnecting the stem with the heel slab. The counterforts are concealed with the retained earth on the rear side of the wall, can be constructed of reinforced or pre-stressed concrete suitable for over 7 meters, 6 to 7 meters you can go with. और मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो रिटेन काउंटरफोर्ट है वो आपको दिखेगा नहीं है आफ्टर फिनिशिंग, क्योंकि उसके ऊपर फिर बैकफिल आ जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे काउंटरफोर्ट भी था, आपको दिखेगा नहीं. क्रॉस सेक्शन में आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहाँ पे दिखाया हुआ है, अदरवाइज आप यू कैन नॉट क्लियरली दिस काउंटरफोर्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, आपको पता नहीं चलेगा अगर बन गई है तो, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यू कैन स्पॉट इट. Then buttress wall, it is similar to counterfort wall except that the transverse stem supports called buttresses are located in the front side. ये आपकी wall की front side है और back side जो होती है जहाँ पे backfill होता है obviously. So front side interconnecting the stem with the toe slab and not the heel slab. राइट, और दो द बट्रेसिस आर स्ट्रक्चरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों, उसका रीज़न क्या है कि ऑल दो द बट्रेसिस आर स्ट्रक्चरली मोर एफिशिएंट देन काउंटरफोर्ट्स, द काउंटरफोर्ट वॉल इज जनरली प्रिफर्ड टू द बट्रेसिस वॉल एज वाई एज इट प्रोवाइड्स फ्री यूजेबल स्पेस इन फ्रंट ऑफ द वॉल. मतलब अब अगर आप ये देखो थोड़ा एस्थेटिकली भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपका ये मेन फ्रंट है वॉल का, यहाँ पे गार्डन हो सकता है, रोड हो सकता है, तो ये इतना पार्ट तो कम ही हो गया उस जगह का, क्योंकि आपने यहाँ पे बट्रेस और तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से स्ट्रक्चरली एफिशिएंट है, बट व्हाट इफ़ यू डोंट हैव इनफ स्पेस ओवर हियर, सो यू कैन नॉट गो विद बट्रेस वॉल. एक तो दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये छिप नहीं सकती, इसको ढक नहीं सकते हम, अगर ढकेंगे तो भी वो तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ढकने के लिए फिर से बैकफिल करके फिर उस अर्थ को रिटेन करना, मतलब वो चीज़ तो हो पाएगी नहीं अगर ढकना भी चाहते हो तो. हाँ, काउंटरफोर्ट का ये है कि पीछे की ओर रहती है और उसको वैसे भी बैकफिल वहाँ पे आना ही है, इसलिए वो दिखेगी नहीं. प्लस जब आपके पास फ्रंट साइड पे ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, लाइक हिली एरियाज, आपको छोटे छोटे रोड बनाने होते हैं पहाड़ियों पे, तो यू कैन नॉट गो विद बट्रेस वॉल, क्योंकि स्पेस भी कम होती है. जहाँ आपको दो ट्रक तीन ट्रक एक साथ अगर टू लेन रोड बनानी है तो उस टाइम पे आपकी आधी जगह तो ये बट्रेस ही खा जाएंगे. सो दैट इज़ वाई बट्रेस भले ही स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, बट कॉमनली यूज हम ज़्यादातर काउंटरफोर्ट यूज़ करते हैं. सो दिस आर द पार्ट ऑफ द रिटेनिंग वॉल जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर हाँ ये पूछा जाता है डेफिनेटली आएगा ही, इसमें नहीं आएगा तो डॉस टू में आएगा, तो ये पार्ट मत छोड़ना कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या है, और उसको विथ नीट स्केच पूछा जाएगा. इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो एक कैंटिलीवर. यहाँ पे आपको दिखाया गया है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल, जितनी भी स्लाइड्स है उसके ऊपर लिख दिया है. दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर फाउंडेशन इंजीनियरिंग, बट डेफिनेटली इट कम्स अलॉन्ग द यूनिट 5 एज आई सेड. तो यहाँ पे ना पढ़ो कोई बात नहीं, आपको यूनिट 5 के टाइम पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं. एक होता है लेटरल फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल जो अर्थ लगाती है दैट इज़ लेटरल. वर्टिकल फोर्स जो सेल्फ वेट होता है रिटेनिंग वॉल का, और जो हील स्लैब के ऊपर जो बैकफिल का वेट होता है, वो दो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स लगाती है डाउनवर्ड. अपवर्ड की डायरेक्शन में जो नीचे के बेस स्लैब के नीचे की सॉइल है वो ऑब्वियसली अपवर्ड प्रेशर लगाती है. तो ये सारा आप अभी नहीं पढ़ोगे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, आपको समझने में
आसानी रहेगी जब आप डॉस टू का यूनिट 5 पढ़ोगे तो वहाँ अगर आपके पास सर की नोट्स तो आ ही गई है तो आप यहाँ से भी उसको रेफर कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है, स्लाइडिंग ओवर टर्निंग जो बोलते हैं वो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस, क्या क्या आपको ध्यान रखना है. राइट, सो आई एम स्किपिंग. ये चीज़ जो है यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन करने से पहले आपकी हाइट भी बताई जाएगी कि मुझे 5 मीटर की, 5.5 मीटर की रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करनी है. अब बताओ स्टेबल स्टेबल होगी या नहीं. तो आपको ये सारे जो बेस विड्थ का विड्थ है, टो का विड्थ है, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब है, विड्थ ऑफ स्टेम है, वो ये सारे थंब रूल है यहाँ से, ये आपको याद रखना है. हाइट की वैल्यूज़ आपको डालते रहनी है. पहले हाइट की वैल्यू डालोगे तो बी मिल जाएगा, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट दी टो एंड हील स्लैब की साइज़. तो ये आपको याद रखना है, बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ फाउंडेशन डिज़ाइन. सो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए अभी आपको फाउंडेशन डिज़ाइन के पेपर के वक्त आपको ये नहीं पढ़ना है. सो चेक फॉर ओवर टर्निंग, चेक फॉर स्लाइडिंग और चेक फॉर सॉइल प्रेशर, ये सारा आपको इसमें से, डिज़ाइन ऑफ स्टेम, डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब, डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब, ये एक एक क्वेश्चन अलग टुकड़ों में करके पूछा जा सकता है. राइट, सो हियर इट्स ओवर. रिटेनिंग वॉल आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्लैक्सिबल रिटेनिंग वॉल, उसके लिए मैं सेकेंड लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ.